नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द हूप में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुलिस में भर्ती होने के लिए आपको कम से कम कितनी पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि कई दोस्तों को कंफ्यूजन रहता है कि क्या वो 10वीं पास के बाद पुलिस भर्ती में जा सकते हैं, या उन्हें 12वीं करनी होगी या फिर ग्रेजुएशन करनी होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चीजों पे बात करेंगे और इसके साथ मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपको पुलिस भर्ती में जाना है तो आपको किन सब्जेक्टों में सबसे ज्यादा ध्यान देना है, जिससे कि आपका रिटन एग्जाम पहली बार में ही क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पुलिस भर्ती में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग पुलिस भर्ती में जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस में भर्ती होना भी इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, आपकी तैयारी बहुत सही तरीके से होनी चाहिए। अगर आपको सारा कुछ नॉलेज नहीं होगा तो फिर आप पीछे रह जाओगे। तो चलिए दोस्तों, फिर बात करते हैं कि पुलिस में भर्ती होने के लिए आपको कितनी पढ़ाई करनी होगी, 10वीं पास करना होगा, 12वीं पास करना होगा या फिर ग्रेजुएशन करना होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे साफ साफ बता देता हूँ, अगर आप यह सोच रहे हैं कि 10वीं पास करने के बाद आप पुलिस में भर्ती हो जाओगे, तो यह बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस में भर्ती होने के लिए आपको कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है, और 12वीं पास करने के बाद आपको पुलिस में केवल एक पोस्ट मिलेगी। यानी कि 12वीं पास करने के बाद अगर आप पुलिस में भर्ती होना चाहते तो आप बस कांस्टेबल बन सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 12वीं पास करने के बाद केवल आप दोस्तों कांस्टेबल बन सकते हो। और अगर आपको सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहननी है तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर आपने 12वीं पास की है तो केवल आप पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप SI की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि आपको ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस सब्जेक्ट से आपने हाई स्कूल और इंटर पास किया है, उसी सब्जेक्ट से आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो भी आप SI की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपको इसके लिए कोई भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना जरूरी है, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन कॉमर्स, आर्ट या साइंस किसी से भी है, आप SI की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, तो आप इसे समझने की कोशिश करना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अब मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैंने पहले ही बोला कि पुलिस में भर्ती होने के लिए बहुत सारे लोग चाहते हैं, लेकिन सिलेक्शन सबका तो नहीं हो पाता है ना। सिलेक्शन उसी का होता है जिसे सारा कुछ नॉलेज होता है, जिसे पता होता है कि क्या क्वेश्चन आएंगे, क्या क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उसे ये सारी चीजों की नॉलेज होती है। ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इसीलिए वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो देखो दोस्तों, आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, आपको सारा कुछ कवर करना है। तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखो दोस्तों, आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, क्योंकि पुलिस में जो रिटन एग्जाम होता है उसमें करंट अफेयर्स जरूर आते हैं। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप 12वीं के बाद पुलिस में भर्ती होना चाहते हो या फिर ग्रेजुएशन के बाद पुलिस में भर्ती होना चाहते हो, तो दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, कुछ आज सब्जेक्टों को छोड़ के, बस ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स पर अपनी कमांड बनानी है। उसके अलावा दोस्तों, आपको जनरल साइंस, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग में भी आपको अच्छी कमांड बनानी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज समझनी होगी, अगर आप दूसरे से एक कदम आगे बढ़कर तैयारी रखोगे तभी आप दूसरे को पीछे कर पाओगे, नहीं तो आप खुद ही पीछे हो जाओगे। इसीलिए आपको तैयारी दूसरे से थोड़ी सी बढ़ के करनी है, ताकि आपका सिलेक्शन पहली बार में ही हो जाए और आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो। दोस्तों, अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ उस तरीके से आप अगर पुलिस की तैयारी कर लें तो समझ ले पुलिस की भर्ती में आपकी बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। तो उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि अगर आपको पुलिस में भर्ती होना है तो आपको क्लास 10 तक के सारे सब्जेक्टों को एक बार फिर से रिवीजन कर लेना है। आप उनमें इतनी अच्छे से कमांड बना लो, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो साइंस हो, इन दोनों सब्जेक्टों पे आपको अच्छे से कमांड बना लेना है। इसके अलावा जो बचेगा वो करंट अफेयर्स होगा, जिसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ के अच्छे से कमांड बना सकते हो। जनरल नॉलेज आपको अपनी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपने रीजनिंग पे कमांड बना दी तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है क्लास 10 तक के जो सिलेबस है आपका,
उसमें आप अच्छे से कमांड बना लें। आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। अगर आपका 10th क्लास तक का सिलेबस एकदम क्लियर हो गया, यानी कि उस पर एक अच्छी कमांड बन गई, तो आपको रिटर्न क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, यानी कि रिटर्न एग्जाम आप आसानी से निकाल दोगे। उसके बाद जो जरूरत है आपको अपनी रनिंग और अपनी फिटनेस पे ध्यान देने की, क्योंकि उसके बिना भी तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों क्लास 10 तक के सब्जेक्ट को अच्छी तरह से कमांड बना लो। इसके अलावा दोस्तों आप थोड़ा सा रीजनिंग और जीके पे भी ध्यान दे लो, साथ ही दोस्तों अपनी रनिंग पे भी ध्यान देते रहे करो, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट है जो कि हेल्प करेंगे आपको पुलिस में भर्ती होने के लिए, चाहे आप 12th के बाद कांस्टेबल में भर्ती होना चाहो या फिर ग्रेजुएशन के बाद SI में भर्ती होना चाहो, आपको सारी पोस्ट में, आपको सारे एग्जाम में ये चीजें हेल्प करेंगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए दोस्तों देखते रहे मेरा चैनल द होप। थैंक यू।